हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है राइट एट्रियम। और अपन जो है ना, राइट एट्रियम पे क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट पूछते हैं। तो आज अपन पूरे राइट एट्रियम का कंसेप्ट समझेंगे कि इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है, इसका इंटरनल फीचर क्या है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको लिख के आना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपन को लिख के यूनिवर्सिटी एग्जाम ही आना है। तो सबसे पहले मैं आपको राइट एट्रियम बताने से पहले मैं क्या आपको बेसिक सब वापस से शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ कि अपन ने हार्ट में अभी अपन ने नीड में के लिए अपन ने क्या पढ़ा था। तो हार्ट में अपन को पता है कि हार्ट के सबसे पहले चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। तो क्या होता है, पूरा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वीने कावा और इन्फीरियर वीने कावा से किस में एंटर होता है, अपना एंटर होता है राइट एट्रियम में। और जो ब्लड जो है एक्चुअली में जो अपन ने पूरी बॉडी से तो अपन ने सुपीरियर और इन्फीरियर वीने कावा से अपन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, लेकिन हार्ट भी एक मसल है। तो हार्ट से क्या होता है, हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है उसको अपन कहते हैं कॉरोनरी ब्लड सप्लाई। तो इसकी तो हार्ट को अपन को आर्टरी भी सप्लाई करना पड़ेगा, तो हार्ट की आर्टरी को अपन बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी, और हार्ट की जो वेन है उसको अपन बोलते हैं कॉरोनरी साइनस। तो क्या होता है, जो राइट एट्रियम में जो है तीन ओपनिंग होती हैं, एक सुपीरियर वीने कावा की, एक इन्फीरियर वीने कावा की, उसके अलावा कॉरोनरी साइनस की। ये तीनों क्या करते हैं, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपना राइट एट्रियम में ले आते हैं। देन राइट एट्रियम जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल से आपको राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर देते हैं। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या है, ये है अपना पल्मोनरी ट्रंक जिसके जो आगे जाके बनती पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी फिर आपकी लंग्स के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी करवाती हैं। अब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है अपनी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बाकी सारी आर्टरी आपकी कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करेगी, लंग्स में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगी। देन लंग्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड करता है और आपका लेफ्ट एट्रियम में वापस इसमें पंप करवा देता है थ्रू पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन होती है जो कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वरना सारी वेन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका जाता है असेंडिंग एओर्टा और फिर आर्च ऑफ एओर्टा, एंड देन आर्च ऑफ एओर्टा से पूरी बॉडी में अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करवा देते हैं। तो आज जो अपन है ना ये राइट एट्रियम को ही फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं किसका एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर क्या है। ये जो डायग्राम है ये अपना राइट एट्रियम का डायग्राम है। तो इसमें अपन ने क्या करा है, इसकी जो इंटीरियर वॉल जो है उसको अपन ने निकाल दिया है ताकि आप इसके इंटरनल फीचर, राइट एट्रियम के इंटरनल फीचर देख पाओ। तो इसमें अपन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके एक्सटर्नल फीचर। तो आप इसके एक्सटर्नल फीचर में क्या देख रहे हैं कि सुपीरियर वीने कावा इस राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है, देन इन्फीरियर वीने कावा, देन इन्फीरियर वीने कावा भी ओपन होता है। तो उसमें क्या है, तो सुपीरियर वीने कावा जो है उसमें कोई भी वॉल्व नहीं होता, लेकिन इन्फीरियर वीने कावा जो है उसकी ओपनिंग में एक वॉल्व होता है, उसको अपन बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। देन वहीं उसके साइड में आप एक और ओपनिंग देख रहे हो, वो मैंने आपको बताया था ना, ये ओपनिंग है अपनी कॉरोनरी साइनस की जो कि आपके हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में ओपन करवा रही हैं, और उसमें भी आपके वॉल दिख रहा हो उसको अपन कहते हैं थेबिजियन वॉल। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन ओपनिंग है, सुपीरियर वीने कावा की, इन्फीरियर वीने कावा की और कॉरोनरी साइनस की। उसके अलावा ये जो राइट एट्रियम जो है ये आपका राइट वेंट्रिकल पे ओपन हो रहा है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, तो आपको ये ट्राइकस्पिड वॉल भी दिख रहा होगा। देन सबसे पहले अपन इसका देखें इंटरनल फीचर। तो इंटरनल फीचर में आपको दो सरफेस दिख रही होंगी, ये आपको स्मूथ दिख रही होगी सरफेस और एक रफ सरफेस दिख रही होगी। तो एक्चुअली में जो स्मूथ सरफेस है वो है आपकी पोस्टीरियर सरफेस, और जो रफ सरफेस है वो है अपनी इंटीरियर सरफेस। एक्चुअली में ये जो है इसके इंटीरियर में होती है, लेकिन इस डायग्राम को इसके इंटरनल फीचर दिखाने के लिए इसकी वॉल पे कट लगा के इसको ऐसा इधर आगे करा है। तो ये इसकी है पोस्टीरियर सरफेस और ये है इसकी इंटीरियर सरफेस। अब इंटीरियर सरफेस रफ क्यों है, क्योंकि इसके इंटीरियर सरफेस पे जो है मसल प्रेजेंट होती हैं, उसको अपन कहते हैं मस्कुली पेक्टिनाटी या मसल के रिज जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो इंटीरियर सरफेस है वो आपकी है रफ सरफेस। देन ये पोस्टीरियर सरफेस है बिल्कुल स्मूथ सरफेस। तो आप इस पोस्टीरियर सरफेस और इंटीरियर सरफेस के बीच में एक मस्कुलर रिज देख रहे हो, या आप ये मस्कुलर रिज जो है अगर आप देख पा रहे हो तो सुपीरियर वीने कावा
से एक्सटेंड हो रहा है इन्फीरियर वीना कावा तक, देन इस मस्कुलर रिज को अपन कहते हैं क्रिस्टर्ना टर्मिनालिस। और जो क्रिस्टर्ना टर्मिनालिस जो है उसके ही कारण इसके बाहर एक आपका एक ग्रूव प्रेजेंट हो जाता है, बनता है, उसको अपन कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। अभी इसको क्या, मैं जब आपको 3D में जब मॉडल दिखाऊंगा ना मेरा, तो आपको पूरा अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लो कि ये जो क्रिस्टर टर्मिनालिस है ये अपना इंटरनल सरफेस में है और एक्सटेंड हो रही है सुपीरियर वीना कावा से इन्फीरियर वीना कावा तक, और क्रिस्टर्ना टर्मिनालिस से आपका एक बनेगा सल्कस टर्मिनालिस जो कि इसके एक्सटर्नल में दिखेगा, वो मैं आपको 3D मॉडल में बता दूंगा। तो एक क्रिस्टर टर्मिनालिस जो है ये क्या कर रहा है, ये अपने पोस्टेरियर स्मूथ सरफेस को और एंटेरियर रफ सरफेस को ये जो है सेपरेट करता है। देन अगर अपन इसकी स्मूथ सरफेस पे देखें, पोस्टेरियर सरफेस पे, तो पोस्टेरियर सरफेस पे क्या होता है, ये आपको एक फोसा दिख रहा होगा, उसको अपन कहते हैं फोसा ओवैलिस। एक्चुअली में जो फोसा ओवैलिस जो है ये आपका एक रेमेनेंट है एक ओपनिंग का। एक्चुअली में जब एम्ब्रियो में क्या होता है, ये जो राइट एट्रियम जो है आपके लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन का हार्ट डेवलप्ड होने लगता है एम्ब्रियो में, तो क्या होता है, ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग हो जाती है क्लोज, और उसी ओपनिंग का एक रेमिनेंट बच जाता है जिसको अपन कहते हैं फोसा ओवैलिस। और ये फोसा ओवैलिस जो है उसकी जो मार्जिन है उस मार्जिन को अपन कहते हैं लिम्बस ओवैलिस। लिम्बस मतलब लिप, लैटिन में लिम्बस का मतलब होता है लिप्स, तो ये फोसा ओवैलिस की लिप्स को, मार्जिन को अपन क्या बोलेंगे, लिम्बस ऑफ फोसा ओवैलिस। तो ये मैंने आपको पूरा इसका इंटरनल फीचर बताया। एक बार मैं क्या करता हूँ उसको 3D में और आपको रिकैप करवा देता हूँ, तो आपको सारे स्ट्रक्चर जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि 3D में देखने से क्या होता है सारे स्ट्रक्चर जो है अच्छे से इमेजिन हो जाते हैं। तो ये आपके देख रहे हैं, ये है अपना 3D मॉडल अपने हार्ट का। देन इस 3D मॉडल में इनने क्या करा है, इसकी एक्सटर्नल जो होती है ना वॉल, वो इन्हें हटा दी ताकि आप इसके इंटरनल में देख पाओ। तो अब अपन यहाँ पे इसका देखेंगे, ये है राइट एट्रियम। तो आपको बिल्कुल क्लियरली अब राइट एट्रियम के सारे एक्सटर्नल फीचर दिख जाएंगे और इसके इंटरनल फीचर भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके एक्सटर्नल फीचर में, ये आप देख रहे हो सुपीरियर वीना कावा, ये सुपीरियर वीना कावा इसमें ओपन हो रही है, ये हो रही है ना, मैं आपको अगर इसमें रोटेट करके दिखाऊँ तो सुपीरियर वीना कावा जो है राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। देन इन्फीरियर वीना कावा है, ये इन्फीरियर वीना कावा भी ओपन हो रही है। देन इन्फीरियर वीना कावा की साइड में अगर आप देख पा रहे हो ये जो ओपनिंग है, ये किसकी ओपनिंग है, ये अपनी है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये आपको एक रिज दिख रहा होगा मस्कुलर रिज, ये दिख पा रहा है, मैं इसको पिंच भी करता हूँ, ये जो वाइट पिंच अभी मैंने जो करा, ये मस्कुलर रिज, ये क्या है, ये है अपना क्रिस्टिया टर्मिनालिस। मैंने आपको बताया था ना कि क्रिस्टिया टर्मिनालिस एक मस्कुलर रिज होती है जो कि अपना सेपरेट करती है पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस को और इंटीरियर रफ सरफेस को। अब क्या करें, इंटीरियर वॉल तो अपना हटा दी तो आपको पूरी दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन आपको हल्का सा ये इंटीरियर सरफेस आपको दिख रही होगी जो रफ सी है, ये अब आपको दिख रहा होगा। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसमें है मस्कुली पेक्टिनाटी। और ये जो क्रिस्टिया टर्मिनालिस जो है ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ये अपना सुपीरियर वीना कावा से इन्फीरियर वीना कावा तक, ये पूरी मस्कुलर रिज अपनी एक्सटेंड हो रही है। और ये मैंने बताया था ये एक्सटर्नल में इधर ये ग्रूव बना रही है वर्टिकल ग्रूव, इसका नाम है सल्कस टर्मिनालिस। तो यही है सल्कस टर्मिनालिस, मैं आपको जब 2D में बता रहा था तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल वर्टिकल ग्रूव आपको आराम से इसमें दिख पा रहा होगा। ये जो वर्टिकल ग्रूव है ये कैसे बना, ये अपना क्रिस्टिया टर्मिनालिस के कारण ही बना। और ये जो सल्कस टर्मिनालिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सल्कस टर्मिनालिस के इंटीरियर पे ऊपर प्रेजेंट रहता है आपका ऐसे नोट। तो ये आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका प्रेजेंट है ऐसे नोट। देन इसके बाद अपन इसके देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस जो कि थी स्मूथ, ये पूरा इसकी है पोस्टीरियर सरफेस। और मैंने आपको क्या बताया था, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे होती है सारी ओपनिंग। अपन बात करते हैं इसके सेप्टम पे, अब सेप्टम क्या होती है, मतलब कि ये जो राइट एट्रियम जो है ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट है बाय मीन्स ऑफ सेप्टम। ये अपन ने नीट के लिए भी पढ़ा था कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट होती है बाय एट्रियम सेप्टम, और ये वेंट्रिकल से सेपरेट होती है बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट साइड में अपन इसी को बोलते थे ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ की जो सेप्टम है इसमें अगर देखें अपन, ये एट्रियम सेप्टम, इसमें आपको एक फोसा प्रेजेंट होगा, मैंने आपको अभी बताया था
फोसा ओवेलिस, ये दिख रहा है इसको, मैं एक बार पिंच और कर देता हूँ, ये वाइट पिंच जो है ये है आपका फोसा ओवेलिस। अब आपको अच्छे से 3D में इमेजिन हो पा रहा होगा, और जो फोसा ओवेलिस जो है ये आपका, मैंने बताया था ये रेवेनेंट होती है, जिसके कारण राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और उसी की मार्जिन को अगर अपन बोलते हैं, इस पूरे मार्जिन को अपन बोल देते हैं लिम्बस ओवेलिस। तो सारा मैंने आपको इसको 3D में अच्छे से बता दिया, तो आपको सारा क्या अच्छे से इमेजिन हो गया होगा। तो अब अपन देखते हैं राइट एट्रियम को और डिटेल में। तो फर्दर सबसे पहले अपन इसके लेते हैं एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर में मैंने आपको ये बताया था कि जो राइट एट्रियम का ये जो चैम्बर है ये कैसा है, ये आपका है एलोंगेटेड वर्टिकली में, और ये रिसीव करता है अपना सुपीरियर में, सुपीरियर में रिसीव कर रहा है सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर में रिसीव करता है अपना इन्फीरियर वेना कावा। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था अलोंग द राइट बॉर्डर, मतलब कि राइट एट्रियम की जो राइट बॉर्डर है उसके अलोंग में एक शैलो वेंट्रिकल ग्रूव होता है, मतलब इधर अपन देखें तो एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको बताया था ना सल्कस टर्मिनालिस, अभी 3D मॉडल में तो सल्कस टर्मिनालिस की ही बात कर रहा है। तो कहाँ से एक्सटेंड होता है सल्कस टर्मिनालिस, सुपीरियर वेना कावा टू इन्फीरियर वेना कावा, उसको अपन कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और सल्कस टर्मिनालिस जो है इट्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल मस्कुलर रिज, मैंने आपको बताया था ना वो इंटरनल मस्कुलर रिज से बनता है, जिसको अपन कहते हैं क्रिस्टिया टर्मिनालिस। और सल्कस टर्मिनालिस के अपर पार्ट में आपको प्रेजेंट रहता है SN नोड। ये सारी बातें मैंने आपको 3D मॉडल में बताई थी, क्या क्या ओपन हो रहा है, क्या क्या इसके इनलेट है। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है, इन्फीरियर वेना कावा ओपन होता है, उसके अलावा कॉरोनरी साइनस ओपन होता है, उसके अलावा ये एक और चीज़ है इसको बोलते हैं इंटीरियर कार्डिक वेन, मतलब कि अब वेन है, मतलब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना यार राइट एट्रियम में ही ओपन होता है, और यहाँ पे इसका नाम क्या है इंटीरियर कार्डिक वेन। अगर मैं आपको इस डायग्राम में बताऊँ तो क्या होता है, सारी ओपनिंग जो है राइट एट्रियम में ये एक्चुअली में अपने पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस में होती है, सिर्फ एक ओपनिंग को छोड़ के, जिसको अपन कहते हैं इंटीरियर कार्डिक वेन। इसके नाम में ही आ रहा है इंटीरियर, तो कहाँ ओपन होगी इंटीरियर कार्डिक वेन, इंटीरियर कार्डिक वेन आपकी ओपन होगी इंटीरियर वॉल में, बाकी सारी ओपनिंग अपनी पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस में ही ओपनिंग होती है। देन फिर अपन लेते हैं इसके इंटरनल फीचर में। तो यार इसके इंटरनल फीचर को जो है ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, एक स्मूथ पार्ट में, फिर एक रफ में, फिर इसके सेप्टम में। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं इसका डेवलपमेंट अपन देख लेते हैं, और बेसिकली हार्ट का जो डेवलपमेंट है ना वो मैं तुम्हें डिटेल में क्या एम्ब्रोलॉजी में बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ मेरे चैनल को तुम अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सारे एनाटॉमी के वीडियो आने वाले हैं, अपन एम्ब्रोलॉजी को भी अच्छे से डिटेल में लेंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ एम्ब्रोलॉजी थोड़ा सा। एक्चुअली जो हार्ट जो होता है ना वो क्या रहता है, शुरुआत में जब एम्ब्रोलॉजी में डेवलपमेंट में वो क्या अपने हार्ट ट्यूब के फॉर्म में रहता है, मतलब जैसा ये हार्ट है ना वो सबसे पहले अपना एम्ब्रियो में अपना हार्ट के ट्यूब के फॉर्म में रहता है। देन जो हार्ट ट्यूब है यही आगे जाके आपका पूरा हार्ट डेवलप होती है, तो उसको अपन पूरा डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि ये सेपरेट एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाता हूँ। एक्चुअली में जो हार्ट ट्यूब जो है ये सबसे पहले आपके बनती हैं ऊपर राइट से, आप देख रहे हो उससे इसको अपन बोलते हैं ओर्टिकार्स, इसमें होता है ओर्टिकार्स, फिर बल्बस कॉर्डस, फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल से ही अपना वेंट्रिकल बनते हैं, देन प्रिमिटिव एट्रियम, उसके बाद ये दो हॉर्न जैसे आपको दिख रहे होंगे इसको अपन कहते हैं राइट को बोलेंगे राइट हॉर्न, देन लेफ्ट को अपन बोलेंगे लेफ्ट हॉर्न। तो ये है आपका राइट साइनस विनोसस, तो ये है आपका राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, और ये है आपका लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। अभी तुम क्या सिर्फ इसके नाम सुन लो, क्योंकि जब मैं तुम्हें इसका एम्ब्रोलॉजी में बताऊंगा ना डेवलपमेंट, तब तुम्हें अच्छा सा तुम्हें क्या सुना हुआ रहेगा कि हाँ मैंने सुना था, ये नाम सुने हुए हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो स्मूथ पार्ट जो है ना अपना, जो अपने इंटरनल फीचर में जो स्मूथ पार्ट है, ये स्मूथ पार्ट आपका कहाँ से बनता है, ये आपका बनता है डेवलप्ड होता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस से, मतलब ये वाला सेगमेंट दिख रहा है ना, ये राइट हॉर्न आपका बनाता है राइट वेंट्रिकल का स्मूथ पार्ट। और इसका जो रफ पार्ट जो है ऊपर वाला रफ पार्ट आपका डेवलप्ड होता है प्रिमिटिव एट्रियम चेंबर से, ये जो चेंबर है ना इसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव एट्रियम चेंबर। तो इसका जो रफ पार्ट है वो आपका बनता है प्रिमिटिव एट्रियम चेंबर से। उसके अलावा इसके जो सेप्टम है वो सेप्टम आपकी डेवलप्ड होती हैं सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम से। तो अभी क्या तुम बस बेसिकली इसको सुन लो, और अगर मैं तुम्हें हार्ट ट्यूब नहीं बताता ना तुम्हें सारे नाम क्या समझ नहीं रहे होते इसको क्या,
रट रहे होते हो, रटने में तुम एक दो दिन तक रट पाओगे, देन फिर तुम उसको वापस से भूल जाओगे, ब्लर हो जाएगा इमेज। इसलिए मैंने तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बता दिया। फिर से बताता हूँ, स्मूथ पार्ट आपका डेवलप्ड होता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोस से, देन इसका रफ पार्ट डेवलप्ड होगा प्रिमिटिव आट्रियम से, और इसका इंटरनल सेप्टम डेवलप्ड होगी सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम से। लेकिन अभी मैं इसको क्या एक बार फर्दर और दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो 20 डेज में, तो अगर आप देखें ये तो 20 डेज में तो अपनी हार्ट ट्यूब जो है कुछ इस तरीके से होती है, देन 21 में वो ऐसी हो जाएगी, देन 22 में पूरी आपकी हार्ट ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, देन थोड़ा थोड़ा आप देख रहे होंगे ये हार्ट जैसा बनने लगा, तो इस तरीके से हार्ट बन जाता है, और फुल 8 वीक में ये पूरा आपका हार्ट बन जाता है विद 4 चेम्बर। तो उसको अपन पूरा फर्दर डिटेल में इसको अपन एम्ब्रोलॉजी में देखेंगे। तो अब अगर अपन बात करें, मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट हैं, स्मूथ पार्ट कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो आपको डेवलप हो रहा है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोवस से। स्मूथ पार्ट में जो है सारी ओपनिंग होती हैं सिर्फ इंटीरियर कार्डिक वेन को छोड़ के, इसमें सुपीरियर वेनिकावा ओपन होगी, देन इन्फीरियर वेनिकावा ओपनिंग होगी, और इन्फीरियर वेनिकावा पे एक वॉल्व है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, देन कॉरोनरी साइनस में ओपन होगी, मतलब हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेन में जाता है वो कॉरोनरी साइनस से जाता है, उसमें वॉल्व है उसका नाम है डी बजियन वॉल्व। फिर एक और वेन ओपन होती है उसको अपन कहते हैं वेनिया कॉर्डिस मिनिमिया। अब ये जो है एक्चुअली में क्या रहता है, स्मॉल सी न्यूमरस सी स्मॉल वेन होती हैं, मतलब जो सारे चेम्बर है ना उसमें क्या छोटी छोटी सी न्यूमरस स्मॉल वेन होती हैं, और सारी वेन्स कहाँ ओपन होती हैं, वो अपनी ओपन होती है राइट एट्रियम में। फिर अपन आते हैं रफ पार्ट में, तो इसका जो रफ पार्ट है उसमें ये लिखा है सबसे पहले डेवलपमेंट वो कहाँ से हुआ है, प्रिमिटिव आट्रियम चेम्बर से। उसके बाद वो रफ क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर रिज, जिसको अपन कहते हैं मस्कुली पेक्टिनाटी, और फिर अपन आते हैं इसके इंटरनल सेप्टम पे, तो इंटरनल सेप्टम डेवलप कहाँ से हुआ है, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम से। देन इसके सेप्टम में क्या प्रेजेंट होता है, ये फोसा मैंने बताया था ना, इसमें प्रेजेंट होता है फोसा ओवेलिस, और फोसा ओवेलिस के मार्जिन को अपन कहते हैं लिम्बस ओवेलिस या एन्यूलस ओवेलिस, उसी का ही वो नाम है। फिर सारा मैंने आपको राइट एट्रियम बता दिया, अब मैं आपको ये बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। तो यार अगर राइट एट्रियम कभी भी यूनिवर्सिटी में आता है ना तो शॉर्ट नोट में आएगा, और जिस सीक्वेंस में मैंने मेरे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं ना आपको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिख के आना है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल एक सफिशियंट कंटेंट है आपके शॉर्ट नोट में। तो सबसे पहले आप क्या लिखना, पहले हेडिंग डालना। मैंने आपको बताया था ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने का तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेडिंग डालें, और पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में लिखें। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाली राइट एट्रियम, देन फिर अपन इसमें 2 इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख देंगे कि राइट एट्रियम जो है ना अपर चैम्बर है हार्ट का, जो कि पूरा वीनस ब्लड आपको कैरी कर रहा है, देन वो पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये सब लिखने के बाद आप डालना एक्सटर्नल फीचर की हेडिंग, फिर आप एक्सटर्नल फीचर में तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो लिख देना कि चैम्बर एलोंगेटेड है वर्टिकली में, देन ये सल्कस टर्मिनालिस जो है ये बिल्कुल लिख के आना, शैलो वेंट्रिकुलर ग्रूव है सल्कस टर्मिनालिस। उसके अलावा सल्के टर्मिनालिस किससे बन रहा है, क्रिस्टे टर्मिनालिस से, और उसके अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, एसे नोड। तो बिल्कुल हेडिंग डाल के तीनों पॉइंट लिख देना तुम, देन इसके सारे इनलेट लिख देना। उसके बाद क्या करना, इंटरनल फीचर के हेडिंग डालना, और उसमें लिखना कि वो 3 पार्ट में डिवाइड है, स्मूथ रफ एंड इंटरनल सेप्टम। देन स्मूथ की हेडिंग डाल के इसके सारे पॉइंट लिखना, और ये वाला पॉइंट जो है ना स्मूथ किससे डेवलप्ड हुआ है ये तो लिख के आना ही आना है, क्योंकि अगर तुम ये लिख के नहीं आते ना तो एग्जामिनर सिर्फ राइट एट्रियम तुम लिख रहे हो ना तो एग्जामिनर यही देखता है कि इस बंदे ने इन सब के डेवलपमेंट लिखे नहीं लिखे। तो अगर आपने नहीं लिखेंगे तो आपके वो 2 नंबर या 1 नंबर जितना भी उसे काटना हो वो बिल्कुल आपका काट लेगा। और फिर इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख देना, देन रफ में भी इसका डेवलपमेंट, और उसका जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि रफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मस्कुलर पेक्टिनाटी है, और एक इंटरनल सेप्टम लिख देना। तो उसको इस तरीके से तुम क्या है यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे एज ए शॉर्ट नोट में।